वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का वीडियो है हमारा कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न पत्र को मैं सोल्व करने वाला हूँ। आपको संपूर्ण सोल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो पहले हम देखते हैं पहले वाले ऑब्जेक्टिव जो रिक्त स्थान दिए हैं आपके। दो संख्या ए और बी जिसका ए इंटू बी बराबर 32 और एलसीएम ए बी बराबर 8 है तो एचसीएफ क्या होगा? तो इसका 4 एचसीएफ होगा क्योंकि इस 8 को जब हम डिवाइड में ले जाएंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा आपका जो एलसीएम है तो एचसीएफ निकल जाएगा, तो इसका 4 आंसर सही आएगा। अब अगला देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए। रेखीय बहुपद जो आपका ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, तो इसमें क्या होगा इसका? तो इसका एक कोई हल नहीं होगा। अगला देखते हैं जो आपकी श्रेणी दी हुई है 3, 6, 9 में कौन सा पद 27 है, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगाना ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आपको 27 रखना है, यहाँ पर पहला पद आपको 3 रखना है और यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है और डी आपका 3 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आपका 3 उधर चला जाएगा तो 24 बचेगा और प्लस का 3 हो जाएगा 27, तो 3 × 27 तो इसका आ जाएगा 9वां पद। अब देखते हैं पांचवे वाले में सी वाला ऑप्शन जिसमें 90 डिग्री बनेगा। छठे वाले बे में ए बी बराबर, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या को खाली स्थान से गुणा करने में व्यक्त किया जा सकता है, तो अभाज्य संख्या को एक भाज्य संख्या इसका मतलब भाज्य संख्या को, तो इसका अभाज्य इसका आंसर आएगा, तो ये अभाज्य हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला देखते हैं घात को घात दो के किसी बहुपद में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो घात दो के बहुपद में अधिकतम 2 शून्यंक हो सकते हैं। अगला देखते हैं द्विघात समीकरण के विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला वाला रिक्त स्थान देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद इतना है तो श्रेणी का प्रथम पद, तो n की जगह पे यदि मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पर तो 1 का गुणा इसमें 2 में होगा तो 2 + 3 + 2 तो इसका 5 आंसर सही रहेगा। दो समान कोणों के त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है? सदैव समान रहता है। त्रिभुज जो आपका दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब, तो इसका सही आंसर रहेगा 1/2। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ, 1 + cot θ, तो 1 + cot θ का आ जाएगा आपका sec, ई वाला ऑप्शन सही रहेगा, cosec²θ। sec θ तो sec θ का उल्टा होता है 1/cos θ, फिर यहाँ पर cos²θ + cos²θ बराबर क्या होता है 1, sin²θ + cos²θ बराबर 1 कर दिया, फिर tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान आपका आ जाएगा √3 और cos90 θ, तो cos90 θ का आपका आ जाएगा sin θ और sin 48 + sec 42 ये हो जाएगा आपका 2 आंसर। एक बार और आपकी जोड़ी को मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 + sec θ का हो जाएगा आपका cosec², sec का हो जाएगा आपका cos, sin²θ + इसका 1 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, sin 90 - θ का हो जाएगा आपका sin θ, और यहाँ पर आपके दो सी ऑप्शन दिए हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला नीचे वाला सी इसका छठे वाले का रहेगा। अब शून्यंक की बात करते हैं चौथे वाले में, तो चौथे वाले में यदि x अक्ष पर कोई सा बिंदु काट नहीं रहा है तो इसके शून्यंक हो जाएंगे 0, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं y बराबर mx + 3, तो यहाँ पर y की जगह पे मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ और m की जगह पे यहाँ पर बराबर में कर देता हूँ, तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3 बराबर के उधर जाएगा ये, तो 5 - 3 हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना 2 बचेगा और ये माइनस का 2x बचा, तो 2 / 2 जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, तो इसका -1 आंसर सही रहेगा। यदि द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक होता है, मतलब d का मान यदि प्लस की संख्या जैसे 31 आ गया, क्योंकि जो कि d बड़ा है किससे, 0 से, और जब d बड़ा होता है 0 से तो उसके मूल वास्तविक और असमान कहलाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो दिखने में सभी वर्ग एक जैसे दिखते हैं तो समरूप होते हैं, तो इसका हाँ आ जाएगा, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। अब बिंदु 1, 4 और
थ्री टू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। तो यहाँ पर 1 और 3, तो 1 + 3 ये हो जाएगा आपका 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पर मैंने सोल्व करके भी आपको बता दिया है। अब अगला देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय कथन। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का कथन मैं आपको लिखने के बजाय आपको बोल देता हूँ कि हेडिंग डालना पाइथागोरस प्रमेय और बोलना कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब सत्य असत्य की बात करते हैं। तो पहले वाले सत्य असत्य में यूक्लिड विभाजन प्रमेय दी हुई है। पहला वाला सत्य रहेगा क्योंकि a बराबर BQ + R, जहां 0 छोटा है या बराबर है, r के रिमाइंडर जो आपकी शेषफल बचता है उसका, और b से छोटा है। दो चर वाले एक रेखीय समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है ये भी, क्योंकि उसमें भी कोई से भी मान रख के उसको संतुष्ट कर सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान शून्य हो तो मूल वास्तविक होंगे या असमान होंगे। मतलब उसने कहा है द्विघात समीकरण का मूल, मतलब डी बराबर आपका यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक, बिल्कुल मूल वास्तविक भी रहेंगे और समान, तो ये वाला भी आपका सत्य रहेगा। चौथा वाला असत्य रहेगा क्योंकि इसको जब घटाने पर हमें एक जो अंतर आ रहा है वो 4 आ रहा है और एक माइनस का 4 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कोई समांतर रेखा होती है तो ये भी आपका असत्य कहलाएगा क्योंकि उस पर वो लंब होती है। और इसका अंतिम वाला प्रश्न, खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, सत्य। तो हमने यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र में 32 अंक के ऑब्जेक्टिवली कवर किए हैं। अब अगले पार्ट में हम पूरे के पूरे प्रश्न को सोल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि अगले एग्जाम के लिए, और कुछ अगले वीडियो हम प्रादर्श प्रश्न पत्र के डालने वाले हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार नए वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। ये आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र मैं आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ, इन प्रश्न पत्र को आप देखें और सभी घर जाकर इनको सॉल्व करें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे आपको। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।